हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहता है और यह दुनिया भर में इस प्रकार से इक्विटी मार्केट चलती है। कोई बड़ा इवेंट ना भी हो तो भी इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव साधारणता चलते रहते हैं। देखना यह रहता है कि लंबे अरसे में इक्विटी मार्केट में क्या हुआ है और आप सभी भलीभांति जानते हैं, देश के लोग, देश के निवेशक जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है। उसमें हम ये भी जानते हैं भलीभांति कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs लिस्टेड हैं मार्केट में उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। एक डेटा पॉइंट आपको देता हूं जिससे मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता भी बड़ा गर्व महसूस करेगी कि आज से 10 वर्ष पहले जब यूपीए की सरकार थी जिसका नेतृत्व गांधी परिवार करता था, उस कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय भारत का मार्केट कैप मात्र 67 लाख करोड़ था। ओनली 67 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में विरासत के रूप में मोदी जी को मिला। आज वो बढ़कर 6 जून यानी आज के दिन बढ़कर 415 लाख करोड़ भारत का मार्केट कैप है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बढ़त 348 लाख करोड़ की बढ़त हुई है 10 वर्ष में, ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है।